हेलो एवरीवन दिस इज राजीव फ्रॉम मिनीसिमेक्स सो आज हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं फैक्टर्स प्रिंट करने का सो so, हमारा प्रोग्राम है मैं क्वेश्चन लिख देता हूं लेट मी राइट क्वेश्चन हियर सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर यानी यूजर से एक नंबर इनपुट करना है लेना है और उस नंबर के सारे फैक्टर्स को प्रिंट कर देना है जैसे एग्जाम्पल सपोज यूजर ने अगर इनपुट दे दिया टेन तो आउटपुट क्या आना चाहिए टेन के फैक्टर कौन कौन से होंगे टू सॉरी वन भी होगा ना सो वन टू दे एक और एग्जाम्पल लेते हैं मान लो यूजर ने इनपुट दे दिया सिक्सटीन तो आउटपुट क्या आएगा सो so, आउटपुट आएगा वन टू दे राइट सो so, हमें एक नंबर इनपुट लेना है फिर हमें उस नंबर के सारे फैक्टर्स को फाइंड करना है सो so, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये हमारा स्टेप वन था जिसमें हमने पॉसिबल इनपुट आउटपुट लिख लिया अब प्रोग्राम पे तो हम आएंगे बट पहले इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे सो so, सपोज तुम्हारे पास कोई भी नंबर है जैसे एट है तुम्हारे पास और एट के सारे फैक्टर्स तुमको पता करने तो क्या करोगे तरीका एक ही है एट जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर क्या कहलाएंगे एट के फैक्टर्स तो पहले तुम एट में मॉड लोगे वन से राइट right? और अगर ए वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो वन क्या है एट का फैक्टर है देन एट में मॉड लोगे टू से अगेन जीरो के बराबर आ गया तो टू भी एट का फैक्टर है फिर एट में मॉड लोगे थ्री से ए भी अगर जीरो के बराबर आ गया तो थ्री एट का फैक्टर कहलाएगा बट यहां पर जीरो के इक्वल नहीं होगा एट मॉड थ्री कितना हो जाएगा एट में थ्री से मॉड लो रिमाइंडर टू आएगा तो थ्री एट का फैक्टर नहीं है फिर क्या करोगे एट में मॉड लोगे फोर से अगेन ये जीरो के बराबर आएगा यानी फोर भी एट का फैक्टर है उसी तरीके से फाइव सेवन लास्ट में हम एट से लेंगे ठीक है और इस तरीके से हम बारी बारी यहां पे देखो पहले हमने वन से डिवाइड किया मॉडल थ्री देन फोर देन फाइव सिक्स सेवन एट तक और जहां पे भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा यानी एट डिवाइड हो जाएगा और नंबर क्या है एट का फैक्टर है ये हम लॉजिक यूज करने वाले हैं राइट ये तो हो गया मैथमेटिकली हम इस तरीके से करते हैं अभी सेम चीज को हमें जावा में इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे चलो प्रोग्राम में देखते हैं सो so, सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेते हैं सो so, मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं आई एन टी एन और देन एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और मैसेज देते हैं एंटर द नंबर Enter the number और फिर n में इनपुट ले लेते हैं तो n असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी अब हमें क्या करना है n का फैक्टर निकालना है तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे बार बार और डिवाइड करके देखेंगे किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड कैसे करेंगे वन से n तक हर नंबर से यानी अगर एन में फाइव है तो हम फाइव को पहले मॉड लेंगे फाइव में वन से देन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव कहां तक जाएंगे फाइव तक फाइव में टू से मॉड लेंगे देन फाइव में थ्री से मॉड लेंगे देन फाइव में फोर से मॉड लेंगे देन फाइव से फाइव में मॉड लेंगे अगर यूजर ने एट एंटर कर दिया तो हम एट में वन से मॉड लेंगे देन टू देन थ्री देन फोर कहां तक एट तक? तक अगर यूजर ने एन में हंड्रेड कर दिया तो हंड्रेड में हम वन से मॉड लेंगे देन हंड्रेड में टू से मॉड लेंगे देन कहां तक हंड्रेड तक जाएगा यानी करके चेक करने का जो हमारा स्टेप है कि मॉड लेने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं कितनी बार हमें करना होगा हमारा जो नंबर है उतनी बार अगर या यूजर ने में फाइव एंटर किया तो पांच बार मॉड लेना होगा टेन एंटर किया तो टेन बार और मैंने क्या बताया था कि जब जावा में किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो कोई काम बार बार करना हो तो उसको लूप के अंदर कर, लिखते हैं राइट तो अब यहां पर हम एक लूप क्रिएट कर लेंगे फॉर और यहां पे हमें स्टार्ट करेंगे लूप को आई एन टी आई असाइन विथ वन देन कंडीशन दे देंगे आई लेस देन इक्वल एन एंड आई प्लस प्लस अब देखो हमारा लूप है कितनी बार चलेगा एन टाइम्स राइट सपोज यूजर ने अगर यहां पे एन में एंटर कर दिया यूजर ने एट तो ये हमारा लूप कितनी बार चलेगा एट टाइम्स आई की वैल्यू इस लूप के अंदर वेरी करेगी पहले वन होगी देन टू देन थ्री कहां तक जाएगी एट तक अगर यूजर ने एन में सपोज एटी एट एंटर कर दिया तो फोर के अंदर आई की वैल्यू स्टार्ट होगी वन से देन टू देन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कहां तक जाएगा एटी एट तक आई होप क्लियर हो गया होगा अब हम इस लूप के अंदर लॉजिक लिखेंगे मॉड लेने का तो हमें क्या करना है चलो हम मान लेते हैं कि यूजर ने एन में एंटर कर दिया नाइन राइट तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि नाइन के फैक्टर कौन कौन से हैं ये हमको निकाल के प्रिंट करना है तो सबसे पहले नाइन में हम किससे मॉडलेंगे वन से यानी नाइन मॉड वन और अगर ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई जीरो के बराबर यानी क्या है का फैक्टर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं नाइन किसमें है अभी एन में तो एन मॉड वन में है आई में तो आई और अगर ये वैल्यू किसके आ गई जीरो के इक्वल्स बट अब यहां कंडीशन है ना कि अगर हमारा n मॉड i अगर a जीरो के बराबर है तो हम i को प्रिंट कर देंगे यानी i में जो नंबर है वो n का फैक्टर है तो देखो कंडीशन आ गया तो यहां पे अब क्या यूज करेंगे इफ यानी हम लिखेंगे इफ नंबर किसमें है हमारा n में हम मॉड किससे लेंगे i से अगर a वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो फिर हम इफ के अंदर जाएंगे और उस समय जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे सो सिस्टम डॉट out dot प्रिंट एल एन एंड देन यहां पर हम i को प्रिंट कर देंगे हो गया हमारा प्रोग्राम आई होप समझ में आ गया होगा अब चलो नाइन का एग्जाम्पल लेके चलता हूं ठीक है एन में नाइन एंटर कर दिया नाइन ने छोटा नंबर लेते हैं सिक्स लेते हैं तो मान लो अगर इनपुट हमारा सिक्स है तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए आउटपुट आना चाहिए वन दिन टू देन थ्री फोर तो होगा नहीं सिक्स का फैक्ट है फाइव भी नहीं होगा फिर सिक्स ये हमारा आउटपुट आना चाहिए देखते हैं आता है कि नहीं तो चलो ड्राई रन करते हैं प्रोग्राम को ठीक है सो जब प्रोग्राम ऊपर से लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा राइट जब कंप्यूटर लाइन नंबर टेन पे पहुंचेगा तो एन में इनपुट मांगेगा सपोज तुमने एंटर किया अब लूप में में आएगा तो आए में कितना है मांगेगाइजेशन देन कंडीशन पे गया तो आई में कितना है हमारा वन और एन में कितना है नाइन तो कंडीशन क्या हो गया ट्रू कंडीशन ट्रू होने के बाद कहां पे आएगा हमारा कंट्रोल फॉ के अंदर अब जब फॉ के अंदर आया तो फो के अंदर क्या मिल गया जीरो के बराबर है, इफ क्या हो गया? तो हमने लिखा है ना कि अगर एन मॉड आई जीरो के बराबर है तो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ हमारा ट्रू हो गया अब इफ ट्रू हो गया तो सिस्टम इफ के अंदर जाएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा आई को प्रिंट कर देगा आई में क्या है अभी One है तो आउटपुट क्या आएगा आई होप क्लियर हो गया राइट right? उसके बाद बाद अगेन इस लाइन लाइन को इफ की एग्जीक्यूट करने के कंप्यूटर इफ से बाहर निकलेगा बट अभी फॉर से बाहर नहीं निकलेगा फॉर का रूल जानते हो ना कंडीशन फॉल्स होगा तब बाहर जाएगा तो फॉर के अंदर अब तो कुछ है नहीं तो वापस अपडेशन आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू वन थी अब टू फिर कंडीशन पे जाएगा तो i लेस इक्वल टू एन आई में कितना है टू तो टू लेस इक्वल टू एन n में तो सिक्स ही है n तो चेंज हुआ नहीं है तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया ट्रू अगेन के के अंदर आएगा, के अंदर आएगा फिर safe मिला तो फिर n मॉड i n तो अभी भी सिक्स है बट i अब टू हो चुका है तो सिक्स मॉड टू सिक्स में टू से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा 0, जो जीरो के बराबर है कंडीशन ट्रू फिर सेफ के अंदर आएगा और आई प्रिंट कर देगा आई में अभी क्या है टू तो अगला आउटपुट आ गया टू

फिर कहा जाएगा फोर के अंदर और कुछ नहीं है ना अब तो अब कहां जाएगा फिर से अपडेशन पे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री के बाद 4. अब लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू अंदर आएगा N mod I. N में फोर है. है तो सिक्स मॉड फोर कितना होता है सिक्स में फोर से डिवाइड करो फोर वन या फोर रिमाइंडर कितना आ गया टू जो कि यह जीरो के बराबर नहीं है तो इफ का कंडीशन फॉल्स सो इफ के अंदर जाएगा नहीं जाएगा इफ के अंदर राइट right? के अंदर और कुछ लिखा नहीं है इसके अलावा तो अब सीधे अपडेशन पे चला जाएगा आई की वैल्यू फाइव यहाँ पे अब आई में फाइव है लेस देन इक्वल टू एन में सिक्स है कंडीशन ट्रू फिर अंदर आएगा अब एन मॉड आई तो एन में कितना है सिक्स आई में कितना है फाइव तो सिक्स मॉड फाइव रिमाइंडर कितना होगा वन जीरो बराबर नहीं है फॉल्स इफ के अंदर फिर नहीं गया अगेन अब कहा जाएगा फिर तो फिर से अपडेशन पे तो आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब सिक्स हो जाएगी तो फिर कंडीशन चेक करेगा आई में भी सिक्स है लेस देन इक्वल टू एन में भी सिक्स है कंडीशन ट्रू क्योंकि इक्वल है फिर अंदर आएगा एन मोड आई तो एन में सिक्स है, है तो सिक्स में रिमाइंडर जीरो आएगा कंडीशन ट्रू फिर से हमारा इफ के अंदर और इफ के अंदर इस लाइन को प्रिंट कर देगा आई आई में कितना है सिक्स ना तो अगला आउटपुट सिक्स फिर पे, तो आई की वैल्यू ऑफ सेवन और कंडीशन आई में लेस टू सिक्स जो सिक्स से ना कम है ना बराबर है कंडीशन फॉल्स कंप्यूटर सीधे फोर के बाहर निकल गया अब नीचे कुछ है नहीं प्रोग्राम खत्म सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का फैक्टर प्रिंट करने का प्रोग्राम हम कैसे करेंगे तो चलो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके आउटपुट देख लेते हैं जैसे अ मिनट ओके सो चलो इस प्रोग्राम को रन करने का इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देखते हैं तो so, मैं इसे क्लियर कर लेता हूं और फिर लिखते हैं जावासी फाइल का नाम क्या है डेमो सो डेमो फाइल आई थिंक सेव नहीं है सो डेमो डॉट जावा देन जावा डेमो सो एंटर नंबर मैं देता हूँ सिक्स आउटपुट क्या आना चाहिए वन वन टू थ्री सिक्स देखो आ गया वन टू थ्री सिक्स दिखा आउटपुट सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर का फैक्टर प्रिंट करने का हम प्रोग्राम कैसे करेंगे ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में